लिक्विड फर्टिलाइज़र है, हर 2 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद इसको देते हैं हम। यह ऑर्गेनिक पैच से बना है, जो पैच की पत्ती घर में जो वेस्ट में निकलती है उसकी पत्तियों से बनाते हैं हम, और पानी में मिक्स करके ऐसी डब्बे में दे देते हैं, ऐसी लिक्विड में, ऐसी बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये बहुत अच्छा होता है, पेड़ को बहुत अच्छा पोषण होता है। इसको डाइल्यूट करके पानी में हम दे देते हैं, डाइल्यूट किया और दे दिया पेड़ को, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बैंगन बहुत अच्छे अच्छे बैंगन लगते हैं, या वेजिटेबल अच्छे अच्छे आते हैं हमारे किचन गार्डन में। पेड़ की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, पूरे हर पेड़ को देते हैं, फल सब्जियां सभी को दे देते हैं। ऐसी पूरी बकेट की बकेट ही हम पेड़ों को डाल देते हैं, ऐसी बकेट की बकेट में ही ऐसी सभी पेड़ों में देना अनिवार्य। थोड़ा सा अच्छा लगता है और पेड़ की भी ग्रोथ अच्छी होती है, उसको भी पौष्टिक आहार मिल जाता है। इससे इसका छिड़काव भी कर सकते हैं आप, पेड़ के ऊपर न्यू ग्रोथ आती है बढ़िया से, क्योंकि न्यू ग्रोथ इसी के कारण आती है, ये पौष्टिक आहार होता है। हाँ, ये देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं, पौष्टिक आहार होता है बढ़िया अपने फल के पौधे को। इसको डाइल्यूट करके ही डालते हैं, क्योंकि डाइल्यूट करके डाले तो बहुत अच्छा होता है, पेड़ की ग्रोथ अच्छी से होती है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी तो हमें ज़रूर बताना, और हमारे किचन गार्डन में नए नए वेजिटेबल आते रहते हैं, दिखा देता मैं तो नए नए वेजिटेबल। ये देखिए, ये बैंगन देखिए, ये मसाला बैंगन के लिए बड़ा बैंगन है, बढ़िया बढ़िया से ग्रोथ है इसकी भी, और इधर फलियाँ भी बन रही है, देख सकते हैं। ये राजमा की फली है, इधर वाल फली है, अभी हार्वेस्टिंग किया हमने, फिर से यहाँ पे उगना स्टार्ट हो गई।